मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। प्रभु महान दयालु है, आज सुबह की समय प्रभु आपके पवित्र नाम की जय जयकार करें। आप महान दयालु परमेश्वर हैं प्रभु, हमारा बुद्धि और ज्ञान से नहीं परमेश्वर पिता, आपकी महान कृपा दया से धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र लोहो के लिए। विशेष करके प्रार्थना करते गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, आपके वचन की सेवकाएं दूर दूर तक पहुंचे ताकि लोग बचाए जाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन प्रभु सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े काम कर प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनकी समाजों में पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह कृपा बने रहे परमेश्वर पिता। हर दुख और तकलीफ और परेशानियों में परमेश्वर पिता आप उनको मदद करना प्रभु, आप महान है, दयालु है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु के सेवक के लिए, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रभु, उनको भी आशीष देना, उनके सेवकाई को भी आशीष देना, गेट मिनिस्ट्री को आशीष देना, तमाम सेवकों को, संत लोगों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। फिर से एक बार प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु महान दयालु है परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हमें मौका दिया जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमसे बातचीत की। मेरा उम्मीद है परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत करेंगे। आज हम विशेष करके बातचीत करेंगे राइज एंड फॉल, कैसे इज़राइल चरे हैं, प्रभु ने कैसे उसको उठाया है और कैसे प्रभु परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, वो कैसे गिरे हैं, उसके बारे में ज्यादातर हम देखेंगे। और परमेश्वर कैसे, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहा है, ये तमाम विषय के ऊपर हम देखेंगे। विशेष करके आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक चार्ट है, ये चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि देखेंगे परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहे हैं ये चार्ट के जरिए, कैसे परमेश्वर ने जहाँ पे देख रहे हैं बीता हुआ समय, परंतु आप आने वाला समय, बीता हुआ समय मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बीता हुआ समय परमेश्वर कैसे लोगों से बातचीत की, और परंतु आप परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहे, आने वाला समय परमेश्वर कैसे बातचीत करेंगे, ये तमाम विषय के लिए आज हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1:29 को, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से क्लियर कुछ संदेश देना चाहते हैं, इस संदेश को समझने की हम कोशिश करेंगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष के बीज वाले फल होते हैं, ये सब मैंने तुमको दिया है और तुम्हारे भोजन के लिए है। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन कह रहा है, सबसे पहले परमेश्वर क्या किया है, इंसानों को खाने और पीने के लिए हरा सब्जी और साग सब्जी खाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, एक वेजिटेरियन एक वेज खाने के लिए परमेश्वर, हरे हरे सब्जी और उसका फल को खाने के लिए परमेश्वर हमें दिया है। और ये जो वायदा परमेश्वर किससे कर रहा है, ये वायदा परमेश्वर आदम से किया है और परमेश्वर ने खाने के लिए, कई साल बीतने के बाद, लगभग 1500-1600 साल बीतने के बाद फिर से परमेश्वर क्या किया, एक बदलाव किया है। पहले तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम क्या करो कि हरे सब्जी खाओ, और उसके बाद 1600 साल के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, एक बदलाव किया है। अगर हम, जब परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम सबसे पहले एक साग सब्जी खाओ और कुछ और ना खाओ, अगर उस समय कोई इस काम को परमेश्वर के विरुद्ध में जाके करता, क्या ये बात अच्छा लगता का परमेश्वर, क्या परमेश्वर के वचनों को पालन ना करके उसके विपरीत जाके अगर कोई काम करना, ये अच्छी बात है क्या? तो यहाँ पर परमेश्वर का, अगर कोई कानूनों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर को हमेशा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले बोला, जो परमेश्वर कहता है उस कहना को मानकर चलना ही सबसे अच्छी बात है। क्यों ये मैं सारे बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 9:3 को 1 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। यहाँ पर परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर नूह से बात कर रहे हैं। और 1600 साल पहले परमेश्वर किससे बात कर रहा था, आदम से बात कर रहा था, आशीष दी, फूलो फलो और बड़ो और पृथ्वी में भर जाओ, ये परमेश्वर ने आशीष दे के नूह को आशीष दिया। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं
और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रंगने वाले जंतुओं और समुद्रों की सब मछलियों पर बना रहेगा, ये सब तुम्हारा बस में कर दिया जाता है। परमेश्वर ने क्या किया, उसके अधीन में तमाम जो कुछ भी जीव जंतु और पक्षी वगैरह है, परमेश्वर किसके अधीन में कर दिया है, नूह और उसके परिवार के अधीन में कर दिया। 3 आयत में आते आते परमेश्वर यहाँ पर कुछ बदलाव करता है। तब बीच चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए ऐसा ही आप सब कुछ देता हूँ। तो पहले परमेश्वर ने क्या किया है यहाँ पर, आगे 4 आयत प्रकट पर मांसा को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, तमाम जो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला था, तुम साग सब्जी खाना, हरे सब्जी खाना है, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम क्या खाना है। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को जो है मांसाहारी बनाया है, किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। पहले तो परमेश्वर ने बोला साग सब्जी खाओ, अब परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है तुम मांसाहारी खाते हो, परंतु लहू समेत नहीं खाना, उसको लहू बहाने के बाद ही खाना है। तो प्रियो, ये जो परमेश्वर ने जो बदलाव किया है, इस बदलाव को आपको मानना, हमारा मानना, ये परमेश्वर के आदेश है। पहले परमेश्वर ने जो आदेश दिया था उसको अगर कोई उल्लंघन करता तो परमेश्वर के नजर में वो दोषी ठहराता। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हें मांसाहारी बनाए, उसको कहा है कि पहले ही आदेश को परमेश्वर ने क्या किया, बदल दिया है। परंतु चलते चलते फिर से परमेश्वर ने क्या किया है, कुछ और एक आदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने एक जाति को खड़ा कर दिया जिसका नाम है इज़राइल जाति। और इस जाति को खड़ा करके परमेश्वर ने क्या कर रहा है कि परमेश्वर ने कुछ बदलाव किया है। तो इस बदलाव को हमें देखने की जरूरी है, फिर से परमेश्वर ने एक बदलाव किया है। तो प्रियो, हमने देखे परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर ने बोला तुम साग सब्जी खाओ, उसके बाद फिर परमेश्वर ने बोला तुम मांसाहारी बनो, अब परमेश्वर ने मांसाहारी में से में भी कुछ जो है बदलाव किया है। तो ये हम देख सकते हैं किससे वायदा कर रहे हैं, परमेश्वर ए इसराइल से वायदा कर रहे हैं। पहले परमेश्वर ने वायदा किससे किया है, जो कानून परमेश्वर ने लेके आया आदम से किया था, उसके बाद परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी किसको देकर, नूह को दिया था। अब परमेश्वर ने जो इंफॉर्मेशन या जो आदेश परमेश्वर दे रहा है किसको दे रहा है, ये दे रहा है इसराइल को दे रहा है। क्या दे रहा है, इसराइल को वायदा कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इसराइल से कहो जितने पशु पृथ्वी पर है उन सब में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो, पशु में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं और पांगुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। परंतु ये 4 आयत परंतु क्या कह रहा है, परंतु पांगुर करना या फटे खुर में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट जो पांगुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराया है। और सापान और जो पांगुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता है, वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरारा जो पांगुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता है, इसलिए वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर जो चीरे अर्थात फाटे खुर का होता है परंतु पांगुर नहीं करता, इसीलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध होता है। इनके मांस में ना कुछ खाना और ना उनकी लोथ का खून भी छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते कि परमेश्वर सबसे पहले क्या बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि तुम क्या करो, साग सब्जी खाओ, फिर परमेश्वर ने बोला है कि तुम क्या करो, मांसाहारी बनो, अब परमेश्वर ने बोला है मांसाहारी में से कुछ चीजों को नहीं खाना। ये परमेश्वर किससे वायदा कर रहा है, ये इसराइल से वायदा कर रहा है कि परमेश्वर ने इसराइल को छुड़ा के लेके आया है, कुछ बजाय से परमेश्वर ये आदेश दिया है। जो कोई भी परमेश्वर के आदेश को तोड़ते हैं वो परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं और उठने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, पालन करना, ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दी इसराइल को वो जरूरी है। तो ये जो बदलाव हमने देखा है, ये ऐसे पूरे बदलाव हम चलते चलते हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा बाइबल के अंदर बदलाव है। जब इस बदलाव को अगर हम समझ नहीं पाते तो परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। एक समय परमेश्वर ने, जब हम योना चुसु समाचार 3 का
जब हम 16 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से परमेश्वर इस बात को निकोदिमस से कहते हैं, ए निकोदिमस, जब 3:1 से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रियो, 3:1 फेमस पूरे प्रसिद्ध जो आयते हम सबको याद है, हम बचपन से हम जानते हैं, तो ये आयते हमारे दिल में बैसे हुए, परंतु जब आगे से हम पढ़ते से 3:1 से लेके जब हम पढ़ते हैं प्रियो, 3 John 3:16 योना चुसु समाचार, इन 3:16 जो 3:16 से शुरू नहीं होता है वो 1 से होता है। यहाँ पर जब आगे से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बातों को निकोदिमस और किससे बात हो रही है, निकोदिमस और उससे बात हो रही है, परमेश्वर से बात हो रही है। परमेश्वर निकोदिमस से वार्तालाप के अंदर एक बात तो उसने कहा, उसने यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म और परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आत्मा से जन्म लेना जरूरी है और माँ का पेट से जन्म लेना जरूरी है। जो कोई आत्मा और जल से जन्म नहीं लेते तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई शरीर का जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो प्रियो, यहाँ पर जब निकोदिमस उनसे कहा मनुष्य, यहाँ पर यीशु ने उनको कहा, उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में देख नहीं सकता। प्रियो, यहाँ पर जब किंग जेम्स वर्सन को पढ़ते हैं, जो ओरिजिनल बाइबल है, इसको जब हम पढ़ते हैं उनकी 3:3 योना चुसु समाचार, इसमें स्पष्ट रूप से जिस बातों को बताया उनको समझने की हमें जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं किससे बात कर रहा है, ये एक आम आदमी से प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर रहा है, बल्कि सिनागोग जो आराधनालय उनके प्रधान से बात कर रहे हैं, उससे बात कर, उसके लीडर से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उनकी 3:3 से, जिससे आंसर एंड सेड अनटू हिम, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। सो बिगेस्ट चैलेंज टू एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पर परमेश्वर स्वर्ग राज के बारे में बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक टाइम लाइन, एक रेखा और खींच दिया है, और रेखा क्या है कि जो वो कौन जा सकता है परमेश्वर के राज में, कौन प्रवेश कर सकता है परमेश्वर के राज में। यहाँ पर परमेश्वर बिल्कुल एक रेखा दिया है, वही जा सकता है जो आत्मा से जन्मेगा, जो माँ का पेट से जन्म लिया। पानी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, माँ का पेट से जन्म ले, कि हम जानते हैं हमारे जब एक बच्चे का जो डिलीवरी होता है वो जन्म लेता है, वो पानी के अंदर होते हुए लेता है। यहाँ पर उस बात को बता रहा है कि पानी और आत्मा से जो ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कर रहा है कि बॉर्न अगेन, फिर से जन्म लेने के लिए कह रहा है। उसका मतलब अगर परमेश्वर कह रहा है फिर से जन्म लेने के लिए, इसका मतलब यही होता है कि परमेश्वर ने उनको पहले जन्म दिया। अगर जन्म नहीं देता तो परमेश्वर यहाँ पर इस बात को नहीं कहता। तो हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर ने जन्म दिया है, जब 110 निर्गमन की पुस्तक उसकी 4:22 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से इस बात को परमेश्वर बता रहे फिरौन के राजा को कि हमारे लोगों को जाने दे, परंतु फिरौन जो है उसको जाने से इनकार किया है। आइए हम इसको देखते हैं, 110 निर्गमन के पुस्तक 4:22, एंड दाउ शाल से अन टू फैरो, दस सेज द लॉर्ड, इज़राइल इज माई सॉन इवन माई फर्स्ट बॉर्न। यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम फैरो के जाके कह दो कि इज़राइल मेरा जेठा है और वो मेरा पहलोटा है, उनको तुम जाने दो। यह इंटायर इज़राइल परमेश्वर के संतान है। यहाँ पर जो है प्रियो, इस बात को परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया है, परमेश्वर ने इज़राइल को जन्म दिया है और उसको जाने के लिए कह रहा है प्रियो। तो प्रियो, जब तक एक जन्म फिर से ना ले,
क्योंकि जन्म किसको लेना पड़ेगा यहाँ पर प्रियो, अन्य जाति से परमेश्वर बातचीत नहीं कर रहे। John 3:16 जो हम जानते हैं, हम लोगों का हमारा मन में धारणा है, हमें धारणा से नहीं चलना है, हमें हकीकत से चलना है, हमें फैक्ट फाइटिंग करना है, फाइंडिंग करना है कि वो सचमुच क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब यीशु मसीह क्लियर बता रहा है कि एक्सेप्ट मैन बी बॉर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है जो फिर से जन्म नहीं लेते। तो परमेश्वर ने एक तो जन्म दिया था, इसराइल को क्या किया है सत्यनाश के गड्ढों से छुड़ा कर परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन में लेके आया है। और परमेश्वर कहने लगा है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर इसराइल को क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि बीता हुआ समय में परमेश्वर ने क्या किया है, इसराइल को क्या किया है, जन्म दिया है। और इसराइल को जन्म दिया है, हमने देखे परमेश्वर ने एक जो बदलाव लाया है, और ये बदलाव लाते परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पर आके स्वर्ग राज के बारे में प्रचार कर रहा है, किंगडम गॉस्पल। क्योंकि परमेश्वर के फोरमोस्ट प्लान क्या है कि परमेश्वर के राज की स्थापना, इस राज की स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने क्या करना है, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा है ताकि परमेश्वर के राज की स्थापना पृथ्वी में हो। और जब परमेश्वर के राज की स्थापना, परंतु उस राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने कुछ जो है मापदंड रखा है, एक स्केल रखा है, उस स्केल के अगर हम गिर जाते हैं, उस मापदंड पे हम गिर जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर ने इसराइल को क्या किया है, बोल रहा है तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तब जाके तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। तो इस जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, इसराइल को एक बार फिर से जन्म लेने के लिए। तो बीता हुआ समय परमेश्वर किस से बात कर रहा है, ये बीता हुआ समय परमेश्वर जो है इसराइल से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें जन्म लेना जरूरी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। और इसका कौन उसको उस राज्य में प्रवेश कर सकता है, उस राज्य में वही प्रवेश करता है जो आत्मा से जन्म लेगा। यहाँ पर एक इज़राइल के आराधनालय के लीडर बा अगुवे होने के नाते जो है इनको पता नहीं है कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह बिल्कुल उनको समझा रहा है, उनसे साथ बातचीत कर रहे, उनसे चर्चा कर रहा है कि तुम फिर से तुम्हें आत्मा में जन्म लेना जरूरी है, तब जाके तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करोगे। इस आत्मा में जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने क्या करे, तुम्हें फिर से जन्म लेना है, किससे, आत्मा में, तब जाके इस परमेश्वर के राज में जन्म लेना जरूरी है। जब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, सबसे पहले पहले हमने देखा है कि मत्तयो सुसमाचार उसकी 3:1 से हम जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से क्लियर इस बात को चर्चा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3:1 में परमेश्वर योना बपतिस्मा से बातचीत कर रहे हैं और इस बात को यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि तुम्हें करना क्या पड़ेगा परमेश्वर के राज को जाने के लिए। इससे उस समय परमेश्वर ने जो है योना को भेजा है कि परमेश्वर के राज के सुसमाचार के लोगों तक तो फैलाने के लिए। और परमेश्वर ने भेजकर सबसे पहले एक जो संदेश दिया है 3:1 में, यहाँ पर इस बात को क्लियर कर रहा है, इन दोज डे came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye for the kingdom of heaven at his hand, for this is that was spoken by the prophet Esaias, saying, this voice one crying in the wilderness, preparing ye that the way of the Lord make this path straight. So yahan par parmeshwar kya keh rahe hai, John the Baptist Yohanna baptisma ko dekar bhej raha hai aur keh raha hai ki Yohanna baptisma dene wala ke kya prachar kar raha hai, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो फॉरमोस्ट गॉड्स प्लान टू एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड, यहाँ पर परमेश्वर ने एक राज देना है, क्योंकि वो राज में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने बहुत कोशिश की, हर कोशिश में जो है इसराइल क्या हो गया, फेल हो गया है, राइज एंड फॉल। जब परमेश्वर ने 400 साल की गुलामी में था, तब परमेश्वर ने मूसा से उसको छुड़ा के लेके आया, एक परमेश्वर क्या बोला, एक कनान देश को परमेश्वर देना चाहता, परंतु वहां पर प्रवेश करते 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 रह गया है और वहां पर हमने बहुत सारे समस्याओं को देखा है, परंतु हुआ नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने किसको भेजा, जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, योना बपतिस्मा को
भेजा और कहने लगे परमेश्वर के राज के प्रचार करो। और योना बपतिस्मा आके यही कहने लगी कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। और इसके बारे में हम देखते हैं यीशु मसीह योना बपतिस्मा को देकर भेज रहा है कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। कौन को उसमें आ सकता है परमेश्वर के राज में? वो यहाँ सकता है जो मन को फिरा सकता है। यहाँ मन फिराने का मतलब क्या है कि तुमने जो परमेश्वर को मन दिया है और परमेश्वर को मन देने के बाद तुमने क्या किया, परमेश्वर से चले गए, दूर चले गए, परमेश्वर को कहना को नहीं माना, परमेश्वर के आदर्श को नहीं माना, परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, अपने मनमानी तरीके से चलता रहा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा मन फिराना है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को मन देकर अपना मन परमेश्वर से फिराकर दूसरे को दे दिया है। इसलिए फिर से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मन फिराओ। कहां से? दुनिया से, दूसरे की जगह से, दूसरे की चीजों से मन फिरा के परमेश्वर के पास आओ, तब जाके तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये पैसिफिक परमेश्वर के राज किसके लिए, परमेश्वर इज़राइलों के लिए देना चाहते हैं। उनसे वायदा किया है परमेश्वर कि मैं तुम्हें एक राज दूंगा, एक परमेश्वर के राज दूंगा, एक स्वर्ग राज दूंगा। ये पृथ्वी में परमेश्वर ने वायदा किया है, परंतु एक मापदंड पे जो खरा नहीं उतारते उसको नहीं मिलेगा। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आके क्या कह रहे हैं, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। और उसके बाद परमेश्वर 4:17 में इस बात को यहाँ पर क्लियर कर रहा है, मतलब सुसमाचार 4:17 यीशु मसीह स्वयं भी इस बात का प्रचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं 4:17, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगेन टू preach and say repent for the kingdom of heaven is at hand। उस समय से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो यहाँ पर परमेश्वर की एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करना और परमेश्वर की राज की सुसमाचार लोगों तक पहुँचाना। तो प्रियो परमेश्वर, प्रियो लोगों, प्रियो संत लोगों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा, बीते हुए समय परमेश्वर किससे बातचीत कर रहे, अब्राहम से बातचीत कर रहे हैं, मूसा से बातचीत कर रहे, दाऊद राजा से बातचीत कर रहे हैं। और ये सब परमेश्वर क्यों बातचीत कर रहे, भविष्यवक्ताओं से बातचीत कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक राज परमेश्वर देने जा रहा है। और ये राज परमेश्वर किसके लिए देने जा रहा है, इज़राइल को देने जा रहा है। और इज़राइल को बीते हुए समय कि जो परिस्थिति यही था, ये देने जा रहा है। उसके बाद यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया है, 12 चेले को तैयार किया और उस परमेश्वर की राज की सुसमाचार जगह जगह में फैलाने के लिए फिर से एक बार परमेश्वर ने 12 चेले को चुना। और मत्ती सुसमाचार उसकी 10:7 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है यीशु मसीह आके वही प्रचार कर रहे 10:7 में 12 चेले को यही बात सिखा है, एंड ही से गो प्रीच सेइंग द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। तो परमेश्वर ने क्या किया है, जाओ जाके तुम किसकी प्रचार करो, और इसकी प्रचार करो कि देखो परमेश्वर का राज निकट है। 12 चेले को भी वही सिखाया। परमेश्वर ने किसको भेजा है, योना बपतिस्मा को देने को भेजा है कि हम उस बदलाव को देखें। जब हम पुराना नियम को देखा, एक बदलाव है, यहाँ पर इस बदलाव को देख सकता है। यहाँ पर योना को बपतिस्मा को भेजा कि क्या प्रचार करो, परमेश्वर ने सिखा क्या भेजा कि परमेश्वर के स्वर्ग राज के बारे में प्रचार करो कि देखो स्वर्ग राज क्या है, निकट है, और मन फिराओ, देखो तैयारी है, तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। उसके बाद परमेश्वर ने किसको भेजा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आके प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। अब यीशु मसीह किसको तैयार कर रहा है, क्या प्रचार करने के लिए कह रहे हैं कि स्वर्ग राज के बारे में प्रचार करो। 12 चेले आके साथ मत्ती उसकी 10:7 में क्या प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, यीशु मसीह स्वयं कर रहा है 10:7, यानी ही से प्रीच सेइंग, जाओ जाके प्रचार करो और स्वर्ग राज देखो नजदीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर किसकी प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर 12 चेले को वो वही सिखाया, जाओ जाके प्रचार करो क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। तो परमेश्वर के जो प्लान है, योजना है, जो योजना के अंतर्गत कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में करना, और उसी के ऊपर आगे देखते हुए परमेश्वर के जीवन में कोई किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वेल प्लान किया है। परमेश्वर पूरा अपने जो है योजना के अंतर्गत, परमेश्वर के पास ना तो ए प्लान है ना तो बी प्लान है, परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार परमेश्वर आगे बढ़ रहा है एक एक कदम। जौंदा
बैप्टिस्ट को भेजा, उससे पहले परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को भेजा और बोला मन फिराओ और तुम जो है परमेश्वर के राज्य वचन के अनुसार चलो, परंतु एक एक करके सब लोग गिर गए, परमेश्वर से दूर चले गए, अपने मनमानी करने लगे। वो फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर राज की फेरने के लिए परमेश्वर ने क्या कहने, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। इस कदम को आगे रखते हुए परमेश्वर यहाँ पर आगे आगे बढ़ रहा है। जब लूका रचित सुसमाचार उसके 12:32 को हम देखते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर क्या करे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 12:32 में वही बात परमेश्वर कह रहा है कि देखो परमेश्वर ने क्या करेंगे, तुम्हें एक राज देने वाला है। फियर नॉट ए लिटिल फ्लॉक फॉर इट इज योर फादर गुड प्लेजर टू गिव यू द किंगडम। ये खुशी की बात है, ये छोटे झुंड भयभीत ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हें क्या करे, परमेश्वर के राज को फिरा दे। यहाँ पर छोटे झुंड कौन है, इसराइल से बात कर रहे प्रियो। यहाँ पर मत्ती मार्कुस लूका योना पूरा संपूर्ण यहाँ पर परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, इसराइल से बात कर रहे हैं। 12:32 फियर नॉट ए लिटिल फ्लॉक इट इज योर फादर गुड प्लेजर टू गिव यू किंगडम। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने अगर वायदा किया तो बाय कुक और हुक परमेश्वर क्या करेंगे, उसको देंगे ही देंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर वायदा। तो परमेश्वर के स्थापना क्या करना है, परमेश्वर की राज स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आया और इसके बारे में प्रचार कर रहा है और परंतु इसी के बारे में वो आगे चल रहा है। परंतु चलते चलते ही वहां पर क्या हो गया, मार्क में भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। संपूर्ण बाइबल के अंदर देखेंगे परमेश्वर डील किससे कर रहा है, कोई आम आदमी से डील नहीं कर रहा है प्रियो, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से डील कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। Now after the John was put in a prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel। यहाँ पर जब योना बपतिस्मा को जो है जो जेल में डाला गया, यीशु मसीह स्वयं आके उसी प्रचार कर रहे हैं। 15 में क्या कहते हैं, द टाइम इज फुलफिल्ड, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट एंड बी बिलीव द गॉस्पल। यहाँ पर यीशु मसीह आके क्या प्रचार कर रहे, समय पूरा है कि सुसमाचार पे विश्वास करो, परमेश्वर के राज में मन फिराओ। ये मन फिराने का सुसमाचार, सुसमाचार यहाँ पर यीशु मसीह क्या करे, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज क्या है, निकट है। तो प्रियो परमेश्वर के राज को फिरने के लिए यहाँ पर परमेश्वर तैयारी पे लगे पड़े हुए, परंतु चलते चलते क्या हुआ है, क्या इन्होंने विश्वास किया। प्रेरितों के काम उसकी 7:1 जब 1 को पढ़ते हैं, वहां पर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 7:1 पहली अध्याय जब 1 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन, यहाँ पर भी यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, until the day which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom the chosen, to whom the showed the himself alive after the prison by the many infallible proofs being seen to them 40 days and speaking the pertaining kingdom of God। 3 में क्या कह रहे हो, तभी भी परमेश्वर के राज स्वर्ग राज के बारे में बात कर रहे हैं कि तीन आयत में परमेश्वर किससे बात कर रहा है, प्रेरितों के काम उसकी 1:3 है, स्वर्ग राज के बारे में बात कर रहा है। आइए मेरे साथ निकले प्रेरितों के काम 1:3 में क्या कहते हैं, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी जेरूसलम में ना छोड़ो परंतु पिता की इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुको, क्योंकि यूहन्ना ना तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों में बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। प्रिय परमेश्वर के राज के प्रवेश करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने जो नापदंड लगाया है, वो नापदंड एक तो हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे, इसराइल राइज कर रहा है और परमेश्वर की ओर राज्य की ओर जा रहा है, पर चलते चलते यहाँ पर एक डिमिनिशिंग देखता है, वो घिरता हुआ देख रहा है। क्यों घिरता हुआ देख रहा है, उसने क्या किया, हमने देखा कि उसने जो जॉन द बैप्टिस्ट को यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को गर्दन को काट दिया, उनको नहीं माना है प्रियो, और उसके बाद हमने देखा है कि यीशु मसीह को क्रूस पे दे दिया, उसको भी परमेश्वर करके उनके पुत्र करके और उनके राजा करके नहीं माना। उसके बाद हमने क्या देखा, स्टीफन 7:1 प्रेरितों के काम उसकी 50:51 पवित्र आत्मा को रोक दिया, एक घिरता हुआ, राइज एंड फॉल, एक
चमकते हुए गिरते हुए देख रहा है और एक उजागर हो रहा है, फिर चलते चलते वो गिर गया है। जब वो गिर गया है और उसके बाद यहाँ पर एक परिवर्तन हम देखते हैं। ये यहाँ पर परमेश्वर जो है पुराना नियम में बीती हुई समय में हम मत्ती से उत्पत्ति से लेके और हम देखे मत्ती मार्क लूक जीवन, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? यहूदियों से बात कर रहा है। यहाँ पर हम परिवर्तन देखते हैं। जब इन्होंने गिर गया, किसी को नहीं माना, तब परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने की योजना बना है कि आप क्या करेंगे। परमेश्वर जो है अन्य जातियों से डील करेंगे और परमेश्वर अन्य जातियों को क्या करेंगे? बचाएंगे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के बातों को नहीं माना। अब परमेश्वर अन्य जातियों से बातचीत कर रहे कि अन्य जाति परमेश्वर से दूर थे। एपिसियोस की 2:13 को हम देखेंगे, बहुत दूर थे, उनको परमेश्वर के पास आ नहीं सकते थे, बहुत सारे उनके पास बाधाएं थे, वो दूर थे। पर परमेश्वर ने क्या किया? एक इंतजाम किया, वो अनुग्रह का इंतजाम किया। अनुग्रह का मतलब क्या? उसके अंदर मेरिट एक अनमेरिट, मेरिट मतलब आप जो मेहनत करते परिश्रम करते उसके दौलत पे आपको रखा जाता है, उसको कहते हैं मेरिट। और हम जानते हैं कोई भी हम एग्जाम देते हैं, हम मेहनत करके और उसके तमाम सवालों को जवाब देते हैं, वो मेरिट के जरिए पास होता है। अनमेरिट क्या होता है? हम मेहनत तो किया परंतु हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, हम गिर गए हैं, तब हमें क्या किया जाता है? अनुग्रह दिया जाता है। अनुग्रह मतलब इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, और ग्रेस मार्क के जरिए हम पास होता है। तो अनमेरिट फेवर ऑफ गॉड, हम जो मेहनत नहीं करते तब परमेश्वर ने हमें क्या देते? अनुग्रह। इसमें हम एक बुद्ध भी हम अगर हमारे कामों को जोड़ते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने 13 पुस्तक पौलुस को दिया है और रोमियो से लेके फिलमन तक 13 पुस्तक दिया है। ये अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। इस अनुग्रह में हम एक बुद्ध भी अपना काम को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। अगर करते तो हम भी गिर जाते, वो काम नहीं रहता, हम भी परमेश्वर से दूर होकर अनंत काल की नरक में जा सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया? उनको सुरक्षित रखा है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो गिर गया है। प्रिय परमेश्वर, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बात करते हैं। नूह के समय क्या हुआ था? क्या परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर नहीं था? जब किसी ने भी परमेश्वर को नहीं माना, पूरे 8 लोगों को जिन्होंने माना है परमेश्वर ने क्या किया? उनको बचा ली। और जिन्होंने नहीं माना है परमेश्वर ने उसको पूरे दुनिया को खत्म कर दी पानी से। जैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं ऐसे परमेश्वर की क्रोध भी है। प्रियो, एक क्रोध आने वाला है, इस क्रोध से बचने के लिए अब मौका है कि आप राइज करें। आपको उठना है, कैसे उठना है? विश्वास करना है। विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह लहू बहाया आपके लिए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते आप जो है मुफ्त में परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज में तुरंत ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो स्वर्गीय राज है जो पृथ्वी में स्थापना होने वाला है अभी होल्ड पे है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? रोक दिया, उनको चाहिए नहीं है। आप परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए क्या किया है? अनुग्रह का प्रबंध किया। यह अनुग्रह परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। प्रिय, उसके बाद हम देखते हैं आने वाला समय, एज भी एक समय क्या हो जाएंगे? ये भी होल्ड पे हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आने वाला समय परमेश्वर पूरी दुनिया से डील करेंगे। अगर ये वाला हिस्सा पौलुस के 13 जो पुस्तक है उसको हम ढक देते हैं तो परमेश्वर किससे डील कर रहा है? परमेश्वर टोटली जो इज़राइल से डील कर रहे हैं। प्रभु, मौका आज आपके लिए है, इस मौके को खोने मत दे। विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर। रोमियो उसकी 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कथा कहानी से नहीं है, मेरा बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। तो किससे बात कर रहे परमेश्वर? परमेश्वर जो है विश्वास करने से आज आपके लिए मौका है। आप परमेश्वर के राज में आप प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर आपको जो है अनंत जीवन तुरंत आपको देते हैं। प्रियो, ये विश्वास करने से उठा है। उसके बाद आने वाला समय, प्रभु आज आपके लिए मौका है, आप प्रभु पर आ सकते हैं। मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। हम आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा।
प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से आमेन।